अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि कल मैंने आपको कल की क्लास में आईडी कार्ड के ऊपर क्लास दी थी, तो आज हम मजीद कुछ आगे पढ़ेंगे। जैसा कि शेप्स के जरिए हम क्या क्या चीजें मजीद क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने काम को क्रिएटिव बना सकते हैं। तो आज जो है वो एक पोस्ट डिजाइन करेंगे। आप सबको भी उसी तरह की एक पोस्ट जो है वो मुझे बनाकर देनी होगी। सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे, वहां से आप लोग रिसर्च करें। हम चाह रहे हैं सिंपल इस तरह की कोई पोस्ट बना के आप सबको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी पोस्ट बनाने से पहले हमें जो है पेज लेआउट को सेट करना होता है, तो हम हमेशा डिजाइंस में जाते हैं। उसके बाद अपना मार्जिन सेट करते हैं, नैरो मार्जिन। ओरिएंटेशन हमने पोर्ट्रेट रखा, या तो आपकी पोज जो है वो पोर्ट्रेट होगी या फिर लैंडस्केप होगी। इन दोनों चीजों का डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो पोर्ट्रेट किया, साइज हम A4 साइज पर रखते हैं। अब जैसे कि इस पोज का जो कलर है बैकग्राउंड वो बिल्कुल वाइट है, मैं चाह रही हूँ इसी तरह की एक पोस्ट बनाना, इस तरह की। तो मैंने अपना बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल वाइट रखा। यहाँ मैं एक इंसर्ट में गई, एक शेप ड्रॉ कर ली। बिल्कुल ऐसे ही नीचे भी है, बिल्कुल ऐसी ही एक शेप जो है वो नीचे की तरफ भी बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसी को कंट्रोल सी करके कॉपी करते हुए नीचे की तरफ ड्रैग करूंगी। इसको मैं ड्रैग करती हुई नीचे की तरफ ले आऊंगी। मैं लैंडस्केप कर देती हूँ ताकि आप सबको अच्छी तरह से नजर आ सके। इसमें मैं लिखना चाह रही हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है MS ऑफिस, वैसा ही यहाँ पर मैं लिखना चाह रही हूँ।
इसके फॉन्ट साइज को मुझे इंक्रीज करना है। की अलाइनमेंट सेंटर अलाइन कर देती हूँ। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, हो सकता है आपके इंटरनेट का इशू हो। ठीक है, अब नीचे जो दिया गया है वो है एडवांस आईटी ट्रेनिंग और वो लिखा हुआ है रेड में। ये थोड़ा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हुआ है, हम भी थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। इंटर कर दिया। मैं चाह रही थी मेरा कर्सर यहां पर आया तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब इन्होंने क्या क्या लिखा है, टाइपिंग, एमएस वर्ड, पब्लिशर, पावर पॉइंट, हम भी कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। बुलेट्स अप्लाई करते हैं।
इस तरह की बेसिक शेप से आप कोई भी पोस्ट बना सकते हैं। और अब हम इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन पिक्चर चाहिए तो हम ऑनलाइन पिक्चर भी देख सकते हैं, जैसा कि हमें माइक्रोसॉफ्ट लोगो। ऑनलाइन पिक्चर बाज़ुकात हम जब लेते हैं तो प्रीवियस सारा डेटा हमारा हट भी सकता है। तो आप यूं कर सकते हैं कि और अगर आप चाहें तो यहाँ पर नंबर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बुलेट्स ऐड कर सकते हैं और इस तरह का माइक्रोसॉफ्ट का लोगो लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम भी मेंशन कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट किया।
इस तरह से आप कोई भी बुलेट भी ऐड किया जा सकता है। और यहाँ कोई इमेज लगा दें तो उम्मीद है कि सब क्लियर होगा। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।